हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं लाजपत नगर एक्सप्लोर करने। तो बिना स्किप करे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग जा रहा है, वो भी मार्केट का व्लॉग। बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 2 महीने के बाद जा रहा है, बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला। आज मिल रहा है फाइनली बाहर जाने का टाइम। और वरीशा मैडम भी जा रही है। हाय 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 आदाब। तो चलिए मिलते हैं आपको लाजपत नगर में और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या नई चीजें हैं और क्या क्या आया है। तो चलिए मिलते हैं। और बिना स्किप कर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, स्किप करके देखेंगे तो मजा नहीं। मार्केट के बाहर अब हम अपनी कार पार्किंग पे लगाते हैं और फिर चलते हैं मार्केट के अंदर। वैसे तो दोपहर हो गई है, 12:30 हो चुके हैं, तो आज वैसे भी संडे है, तो यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ होगी। पहले तो पार्किंग में लगाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके बाद मार्केट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए पूरे व्लॉग में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर। और सबसे पहला हमारा काम ये था कि हमें यहाँ पे शॉप पे जाना था वॉच की। यहाँ पे हमें अपनी वॉच सही करवानी थी और ये लाजपत की बहुत फेमस शॉप है। उसके बाद हम अपनी वॉच देने के बाद बाहर निकले मार्केट की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं। आप देख सकते हो जो भी पटरी वाली मार्केट लगती है वो सब यहाँ पर बंद हो चुकी है लगनी। तो यहाँ से मैं आगे गई तो यहाँ मुझे ये कप्स मग दिखे जो कि 100 रुपीज़ का एक था और जो बड़े साइज़ के थे वो 200 रुपीज़ का एक था। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर जो ये वाले कप थे ये 400 रुपये के 6 सेट में थे पूरे। उसके बाद यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था क्रॉकरी वगैरह का और सब ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ से अंदर की साइड एंट्री करी सेंट्रल मार्केट में। और यहाँ आप देख सकते हो सेंट्रल मार्केट में एंटर होते ही कि यहाँ का माहौल तो बिल्कुल ही अलग है। आपने मेरा लास्ट ब्लॉग भी देखा होगा लाजपत नगर का, तो उसमें सेम यही चीज़ थी ना। MCD तो ये तब से अब तक लगाने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये 600 रुपीज़ का सूट का मतलब सेट था, इसमें दुपट्टा नहीं था। दुपट्टे वाले 700 रुपीज़ के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दुपट्टे के साथ हैं वो पूरी लाजपत में आपको 700 रुपये के मिलेंगे और जो खाली पैंट और कुर्ते के साथ हैं वो 600 रुपये के, कहीं कहीं 600 650 के। तो ये जो मैं देख रही हूँ ये 750 का बता रहे थे आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, मार्केट ओपन ही हुई थी और बार्गेनिंग भी आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये वाला जो सेट था ये 1200 रुपीज़ का था क्योंकि इसकी थोड़ी अलग क्वालिटी थी। और ये जो है कोवर्ट सेट ये इन्होंने 600 रुपीज़ का बताया था। इसमें इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। एक्चुअली जितनी भी पटरी वाली मार्केट है ना सब अंदर को जा चुकी है, तो बहुत ही कम लोग वहाँ खड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे अब लगनी बंद हो चुकी है। तो उसके बाद मैं यहाँ आगे गई तो यहाँ पर ना ज़्यादातर इसी टाइप के बच्चों का फ्रॉक था 300 रुपीज़ का। आपको इसी टाइप के वहाँ पर अभी मार्केट दिखेंगी जो अंदर हैं, बहुत ढूंढने पर मिलेगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा इतना कि कहाँ पर क्या शूट करें और कैसे करें। फिर फाइनल मैं एक शॉप पे पहुंची, यहाँ पर मुझे ये शॉर्ट वाले कुर्ते मिल दिखे जो कि 300 रुपीज़ के थे। इनके पास कलेक्शन भी था। और यहाँ पे जो ये नाइस सूट्स वाले पजामे होते हैं ये भी 250 रुपीज़ के थे सेल में। तो यहाँ आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस था। वेस्टर्न वाले ड्रेसेस भी थे जिनके रेट 500-600 थे, थोड़ी रेंज इनकी बड़ी थी। फिर मुझे दिखी अफगानी शलवार, इनके पास इसमें डिज़ाइन अलग अलग थे जो इसमें लेस लगी हुई थी। ये बता तो 350 रुपीज़ की रहे थे, बट इनसे अगर लेना होगा बार्गेनिंग करके आराम से 300 और 250 रुपीज़ में दे देंगे। बार्गेनिंग बोनी के टाइम पर तो आराम से दे देंगे, उसके बाद का मुझे इतना नहीं आइडिया। वो थोड़ा नखरे तो दिखाते हैं शॉप वाले। और फिर यहाँ पे ये स्टॉल्स थी जो कि ये 200 रुपीज़ की थी और ये 100 रुपीज़ की थी। उस
फिर यहाँ पर ये ब्रेसलेट्स की पूरा एक स्टॉल लगा हुआ था, ये 50 रुपीज़ के बता रहे थे, जितने भी इसमें ब्रेसलेट थे सब 50 रुपीज़ के थे, और जो नीचे ये पर्ल वाली चेन थी ये 100 रुपीज़ की थी। उसके बाद मुझे एक शॉप दिखी, चिकनकारी की शॉप, जिन जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में कुर्तेज़ आप ऑनलाइन वगैरह देखते होंगे, तो यहाँ पे सेम वही कुर्ते मिल रहे थे चिकनकारी के, और प्योर चिकनकारी, मशीन वर्क नहीं था, हैंड वर्क वाली चिकनकारी थी, और इनके पास इतना अच्छा ऑसम कलेक्शन था और रीजनेबल रेट्स में था, 600 से स्टार्ट थे और रेट बढ़ते जा रहे थे। आप रियोन में भी ले सकते हो, मुडाल में भी ले सकते हो, चंदेरी सिल्क में भी ले सकते हो, जो भी आपको चिकनकारी का मतलब आइटम चाहिए वो आपको यहाँ मिल सकता है आराम से, और प्रिंटेड में भी मिल सकता है, पर इनके पास बहुत अच्छा ऑसम कलेक्शन था। ये थोड़ी शॉप जो है अंदर जाकर है, ज़्यादा बाहर नहीं है, तो इनका ना स्टॉल थोड़ा बाहर लगा था, जिसकी वजह से मुझे ये शॉप पता चली और मैं यहाँ गई और यहाँ मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन मिला। उसके बाद हम यहाँ से आगे गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसके घर में भी शादी हो, शादी के मतलब जूलरी मिल रही थी, हल्दी मेहंदी वाली जो जूलरी होती है ये मिल रही थी सब, जो कि 100 और 200 और 50 रुपीज़ की थी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्टॉल था, यहाँ पे सिर्फ पैंट और कुर्ते का सेट था, जो कि 550 और 600 की रेंज के अंदर था, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, समर के मतलब के हैं। फिर यहाँ दोबारा अफगानी शलवार दिखी, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली है ये थोड़ी कॉस्टली थी, ये 450 की बता रहे थे, और जो नॉर्मल जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाई है वो 350 की थी, तो यहाँ एम्ब्रॉयडरी वाली थोड़ी कॉस्टली है, और यहाँ पर ये बस हो गई खुश, सीधे होके बैठे हो पीछे। फिर यहाँ पर ये पोटली जो है ये यहाँ पर बैग्स थे जो कि अलग अलग रेट में थे, ये एम्ब्रॉयडरी वाले आई थिंक 400-500 की रेंज में थे, नॉर्मल वाले बैग 250 रुपये से स्टार्ट थे, जो बच्चों वाले हैं वो भी 250-200 के थे, तो कलेक्शन तो अच्छा था बट थोड़ा मतलब देखना पड़ा था चीज़ों के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से आगे चली तो यहाँ पे मुझे ये कुर्ते का सेट मिला, ये येलो और पिंक तो इतना ज़्यादा लाजपत में हर दुकान पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 600 रुपीज़ की रेंज में। वैसे यहाँ पर इनके पास 3 कलर थे और ये मुझे 650 रुपीज़ का बता रहे थे, मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा था बट मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाना है तो मैं इसके और भी कलर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे तो लेना नहीं था, आप लोगों को दिखाना है ना, तो जो आप लोगों को देख के अच्छा लगा और आप लोग देख कर जाओ लेने लाजपत में, तो ये वही चीज़ है, पिंक वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है ना, आप लोगों को भी यही अच्छा लग रहा होगा। फिर यहाँ पर ये कुर्ते सेट थे जो कि 500 और 600 के थे, और उसके बाद मैं आगे चली तो यहाँ पर मुझे दिखा फिर से ब्रेसलेट, तो इनके पास अलग अलग ऑप्शन थे, पर्ल वाली चेन तो 100 रुपीज़ की थी, और यहाँ पर ये बेडशीट और कर्टन्स का ऑप्शन है, इनके रेट्स एक्चुअली थोड़े हाई होते हैं तो मैंने इतना पूछा नहीं, एक दो चीज़ों के पूछे थे तो जो कि 2000 और 2500 के रेट के अंदर थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे स्लीपर्स देखे, जो कि यहाँ पर ये वाले स्लीपर्स जो हैं 250, 300 और 400 की रेंज में हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं, शूज़ वगैरह भी हैं। उसके जस्ट बराबर में मुझे दिखे शॉर्ट कुर्ते जो कि सिर्फ 250 रुपये में मिल रहे थे, इनमें साइज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल सब मिल जाएगा 250 रुपये की रेट में। तो भाई ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, समर के मतलब के हैं और कलर्स भी इनके इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बस क्या बताऊँ। तो चलो फाइनली अब ज्वेलरी भी आपको दिखा देना कि इयर रिंग्स वगैरह कितने के हैं, तो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे 100 और 50 रुपीज़ के, तो ये जितने भी हैं ये 100 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे, और सिल्वर वाले भी 100 रुपीज़ के ही थे, ऑक्सीडाइज वाले जो इसमें थोड़े साइज़ में छोटे थे वो 50 रुपीज़ के थे। तो ये इसमें इनके पास चार या तीन स्टॉल दी जिसमें अलग अलग रेट हैं, वो भी आपको आगे देखने को भी मिल जाएंगे।
तो यहाँ फाइनली आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की सेल में कैसे स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद जस्ट मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर फिर से सेम वही कलर का कुर्ता मेरे सामने आ गया जिसका मैंने रेट नहीं पूछा। फाइनली ये स्लीपर्स जो थे ये 250 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के थे। थोड़े जो हील वाले होते हैं वो 250 के थे और नॉर्मल डेली वेयर वाले 200 रुपीज़ के। और यहाँ पे ये ब्रेसलेट्स जो थे ये 100 रुपीज़ के थे जो कि मैं अपने हाथ में आपको पहन के भी दिखा रही हूँ, सिर्फ 100 रुपये का। और इयररिंग्स भी जो थे वो भी 100 रुपये के थे। उसके बाद यहाँ ये ब्लाउजेस जो थे ये पर्ल वाले ब्लाउजेस थे जो कि 2000 और 2500 के थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर मुझको दिखा 200 रुपीज़ का सेल जिसमें मेंस की शर्ट मिल रही थी जो कि समर के मतलब की थी और 200 रुपये के हिसाब से बिल्कुल सही थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो सूट पे रेट भी लिखे हुए हैं कि कितने कितने रेट के हैं। उसके थोड़ा आगे चल के मैंने देखा यहाँ पर जो आजकल ये ट्रेंडी टॉप्स हैं 400 रुपीज़ के थे। फिर ये कुर्ता वगैरह उसके जस्ट बराबर में थे। फिर उससे थोड़ा आगे मैं गई तो यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर बच्चों का कलेक्शन मिलता है तो इनके रेट्स अलग अलग होते हैं 1100 1200। फिर यहाँ पर ये सारा जो शादी के डेकोरेशन वाला सामान होता है इस शॉप में वो मिलता है, इनके रेट भी उनके हिसाब से ही होते हैं। फिर दोबारा से मैं चिकनकारी की एक शॉप देखी जिस तो फाइनली यहाँ पर मुझे दिखे कुशन कवर जो कि 250 रुपये में मिल रहा था और इनके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके जस्ट बराबर में मैंने आपको दिखाया नारंग गारमेंट जो कि किड्स वेयर यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, पर्सनली मैं यहाँ से लेती हूँ अपनी डॉटर के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा मग्स दिखे जो कि 100 रुपीज़ के थे और ये बाउल 400 रुपीज़ के 6 थे और इनके अलग अलग कलेक्शन थे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। पूरा उजड़ा चल है। तो फाइनली उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर मुझे दिखी स्लीपर्स की मतलब चप्पलों की जूतियों की शॉप जिनके रेट 250 300 400 500 सब अलग अलग रेट्स में थे। तो ये नीचे वाले जितने भी थे ये सब 250 रुपये के थे, ऊपर वाले थोड़े महंगे थे। शूज़ भी 400 और 300 की रेंज में थे और जो ये मैंने पहना है ये 250 रुपीज़ का था। उसके बाद यहाँ पर आपको नाइटीज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये टेबल सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल पर आप रखोगे ये मैट 250 रुपीज़ का है। यहाँ पर कुशंस वगैरह 300 400 की रेंज में। उसके जस्ट आगे मैं चली तो फिर से मुझे कोवर्ट सेट दिखा जो कि 800 रुपीज़ का था, इनके पास कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली था। फिर यहाँ पर हम पहुँचे तो ये थान वाली शॉप जो कि मेरी बहुत पसंदीदा शॉप्स हैं लाजपत नगर की, वस्त्रा और राम एंड सन्स की शॉप जिनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। और यहाँ पर ये सूट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे जो कि 1200 1500 एंड 1600 की रेंज में थे। और उसके बाद हमारी यहाँ से सवारी जाने लगी तो यहाँ मैंने अपनी थान वाले शॉप पर रुकी और यहाँ मैंने शूट करा क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि समर के मतलब का थान में कपड़ा यहाँ मिलता है 150 रुपये मीटर, आप आराम से जाके ले सकते हो, आपको जितना भी चाहिए 100 रुपये मीटर भी मिलेगा। थोड़ी उसकी लो क्वालिटी वाला मिलेगा और अच्छे वाला चाहिए तो और भी अच्छा मिलेगा, चिकन का थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो यहाँ सब कुछ वही है, यहाँ थान के ऑप्शन इतने सारे हैं कि आप लेने एक जाओगे और लेके कई सारे आओगे क्योंकि आपको रेट भी रीजनेबल मिलेंगे और कलेक्शन भी इतना ज़्यादा मिलेगा कि बस पूछो मत। और ये कॉटन वाले थे जो कि 100 रुपये के 100 रुपये पर मीटर थे। उसके बाद जैसे मैं आगे चली तो यहाँ पर मुझे और अलग अलग कलेक्शन मिले। ये जो थान में कपड़ा था ये शिफॉन का था जो कि 1100 रुपये मीटर था। तो फाइनली हमने अपना सारा एक्सप्लोर कर लिया लाजपत और आप लोगों को दिखा भी दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम फाइनली अपनी वॉच लेने चले गए जो कि हम दे के गए थे स्टार्टिंग में। और अब हम यहाँ से अपना व्लॉग भी एंड करेंगे तो यहाँ वरीशा देख रही है कि मैं कौन सी वॉच लूँ और मैं कौन सी पसंद करूँ। तो हमने यहाँ से अपनी वॉच ली और उसके बाद हम वापस जाने लगे। सही हो गई, सही हो गई, देखो मेरे में विशाल पड़ गया। बाहर निकलते निकलते मुझे दोबारा से क्रॉकरी की एक शॉप दिखी जिस पे मैंने रेट्स पूछे। तो यहाँ पर मैंने इस ब्लैक वाले बाउल का रेट पूछा जो कि 100 रुपीज़ का एक था और इनके पास कलेक्शन बहुत औसम है। नहीं, 240 ही हो रहा है, इसमें भी 240
तो फाइनली अब हम बहुत तेज धूप में सीख चुके हैं अच्छे से और अब हम वापस घर पे जा रहे हैं। वरिषा मैडम को ये मिल गया क्योंकि ये जो बेचते हैं ना बच्चे जबरदस्ती ना बच्चों को देख देख के हाथ में पकड़ाते हैं, फिर बच्चे जिद करते हैं तो भाई देनी पड़ती है। तो ये हमने लिया, उसके बाद हम अब थोड़ा हमने कर ली यहाँ पे एक्सप्लोर। एक्चुअली बहुत तेज धूप है तो इसलिए इतनी भीड़ भी नहीं थी और ऊपर से एमसीडी ने यहाँ पे सब कुछ हटा भी रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा 3 महीने से एमसीडी ने यहाँ पे लगने नहीं दिया, इतनी ज्यादा यहाँ पर पाबंदी लग चुकी है हर चीज की, तो सिर्फ सब कुछ शॉप के अंदर ही है तो इसलिए इतना ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी नहीं लग रही है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग पूरा शूट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच,